दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूं दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाएंगे एक मजेदार सी रेसिपी, जो रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स चना दाल का पराठा आपका फूलता नहीं है या फिर फट फट जाता है या चना ज़्यादा गीला हो जाता है जिससे पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपके पराठे हमेशा एकदम मस्त बनेंगे, फूले फूले से और फटेंगे भी नहीं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चना दाल लिया है, लहसुन मिर्ची स्वाद अनुसार डाल के इसे पका लिया एक सीटी के लिए। देखिए इस तरह से गल गई है। यहाँ स्टार्टिंग की वीडियो मेरी डिलीट हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो बिल्कुल कम पानी में इसे पकाना है। दाल हमारी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, गलनी नहीं चाहिए बिल्कुल। इस तरह से दाल हमारी रेडी हो गई, तो इसे मैं सील बट्टे पर पीस लूँगी और सील को पहले धो लेती हूँ अच्छे से, और सील को अच्छे से हम सुखा लेंगे। हमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा जो बन के दाल का पेस्ट तैयार होगा वो गीला तैयार होगा, तो हमें पराठा बनाने में दिक्कत होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसे गर्मा गर्म ही पीस लेना है और महीन पीसना है, ताकि इसमें एक भी कण रहेंगे तो हमारी पूड़ी फट सकती है। तो ये देखिए कितना अच्छे से पिसा जा रहा है, एकदम इस तरह से हमें पीसना है इसे महीन, नहीं तो हमारी पूड़ी फट सकती है। तो गरम गरम ही पीसेंगे ना तो अच्छे से पिसा जाएगी। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये कड़क कड़क हो जाएगा ना दाल, तो पिसाएगा नहीं अच्छे से। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसे गरम गरम ही पीसे तभी अच्छे से महीन होएगा। तो यहाँ पे मैंने दाल को पीस लिया एकदम महीन, तब इसे उठा लेती हूँ। तो ये हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए एकदम स्मूथ चिकना तैयार हुआ है हमारा। तो यहाँ पे मेरी दाल पीस के रेडी हो गई, तो चलते हैं किचन में इसका पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने धनिया डाल दिया है और कुछ भी अलग से मसाला ऐड नहीं किया, ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट लगता है चने के दाल का पराठा। इसे मिक्स कर लेंगे हम धनिया को, यहाँ पे हमने आटा पहले से गूंथ के रेडी कर लिया था ताकि वीडियो लंबी ना बने। और यहाँ पे हम इसके चकले बना लेते हैं। तो मीडियम साइज का यहाँ पे हमने पेड़ा बना लिया है, तो इसका गोल गोल कटोरी जैसा बना लेना है, यानी गड्ढेदार इस तरह से। और इसमें हम भर देंगे ये बेसन इस तरह से, बीचों बीच रखना है ताकि ये फटे ना, और अंगूठे की और उंगलियों की मदद से अंदर ढकेलते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा लोई तैयार हो गया है। और इस तरह से इसे बेल लेते हैं, हल्के हाथों से बेलना है नहीं तो ये फट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चने के दाल का पराठा रेडी हो गया है और इसे हम डाल देंगे तवे पे। साफ हो गया है और इसे डाल देते हैं। हम इसे पलट लेते हैं, तो इसे हम धीमी आंच में पकाएंगे और यहाँ हम गिलास से इसे तेल लगा देते हैं। इससे क्या होता है ना, तेल बहुत कम लगता है। इस पराठे के लिए धीमी आंच में इसे पकाएं, तेज आंच पे जल जाएगा पराठा। और इसे फिर से पलट देंगे हम और इस साइड भी तेल लगा देते हैं। तो है ना ये आसान, देखिए कितना जल्दी ये पराठा बन के रेडी हो गया। और पराठा हमारा फूलना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। ये देखिए कितना मस्त पराठा बन के रेडी हो गया है। और इसे पलट लिया हमने, तो इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं।
खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये पराठा हमारा बनके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे पराठा हमारा रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हमने दूसरा पराठा भी रेडी कर लिया है और सभी पराठे इसी तरह बना लेंगे। तो पराठे को हमें धीमी आंच पे पकाना है, तेज आंच पे नहीं पकाना है। अगर आप बिगनर हैं तो पलटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पलटने के लिए। तो देखा आपने सभी पराठे हमारे फूले फूले से बने हैं। तो यहाँ पे हमारा चना दाल पराठा सब बन के रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे सभी पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।